विराजमान हो गए हैं। 550 साल का इंतजार खत्म हुआ है, राम भक्तों के पास चलते हैं। आखिरकार रामलला विराजमान हो गए, सलोनी सूरत उनकी देख ली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी दर्शन बाकी है बस हमारा, 10 दिन से यही है। आजकल में जैसे ही दर्शन हो जाएंगे दर्शन करेंगे पूरी फैमिली। माँ जी राम मंदिर का मॉडल लेके आ रही हैं, अब तो साक्षात दर्शन करेंगी अब आप? बिल्कुल दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन के लिए तो इतनी दूर चल के आए हैं, राजस्थान से सीकर से चल के आए हैं यहाँ अयोध्या। मोदी जी ने फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उनके हाथों से रामलला की सलोनी नहीं, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, देखा नहीं, अभी देखेंगे। टीवी पर नहीं देखेंगे? नहीं, टीवी पे इधर आ गए तो टीवी पे देखेंगे। हाँ जी, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ है, एक राम भक्त के मन में क्या चल रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ दो लाइन एक भजन की लाइन सुनाना चाहूँगा, वो इसीलिए क्योंकि ये मुसलमान भक्त ने लिखी है। तो जैसे वृंदावन में बांके बिहारी है, ऐसे हमारे अयोध्या में कनक बिहारी है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, आवत जात संत जन दर सत, देखत सुजन सुजन मन हर सत, देखत कली मल भागे पड़े रहो। कनक भवन दर बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, आखिरकार इंतजार देखा आपने रामलला को? रामलला को देखा, टीवी में देखा है, साक्षात भी देखेंगे, बिना देखे जाएंगे नहीं। 15 तारीख से यहीं पर पड़े हैं, जब तक रामलला का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। हम नैमसान क्षेत्र से आए हुए हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा, पूरी अयोध्या नहीं धरती पर। जहाँ मेरा ठिकाना हो श्री हो अयोध्या सी, रघुकुल सगराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, मन सफाई हो, कौशल सीमा मेरा ठिकाना। अब तो रामलला का ठिकाना जो है भव्य दिव्य राम मंदिर है। इस खूबसूरत मंदिर में इतने प्यारे सलोने रामलला को देखकर क्या लगा? दीदी बहुत आनंद आ रहा है, जी पहली फर्स्ट फ्लाइट से आए थे, अभी तक एंजॉय कर रहे हैं रामलला के, अब दर्शन करके ही जाएंगे। दीदी आस्था का चरमोत्कर्ष, आज सूर्य की सुनहरी किरणें भी ठिला रही है, पूरा आनंद से सराबोर है पूरा हिंदुस्तान। हाँ वो रामलला, हाँ सूर्यवंशी, हाँ रघुवंशी है, इसलिए निकला है। सूर्य की सुनहरी किरणें आज इठला रही है, रामलला का स्वागत करने आई है। हाँ एकदम, पूरी दुनिया में कि आज 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 केवल अयोध्या नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया एकदम राममय हो गई है। हैदराबाद से है, तेलंगाना वाला है, हम राम मंदिर से, राम भक्ति की तरह दरली लो लसीरा धरणी लो न महापुण्य क्षेत्र मो, अयोध्या श्री राम मंदिर मो, हे हे धरणी लो न धरणी लो न महापुण्य। भारत ऐसा है कि यहाँ उतर आया है और संतों की भावनाएं भी जान ले, एक संत के मन में क्या अनुभूति हुई जब राम लला की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई? संतों के मन में और भक्तों के मन में राम राज्य का स्थापना दिख रहा है, राम प्रभु हर कण में, लग रहा है कि बस इससे बड़ा स्वर्ग नहीं हो सकता, स्वर्ग यही है अयोध्या नगरी, जहां भगवान का जन्म स्थान है, जहां भगवान विराजमान हो रहे हैं और सिद्ध पुरुष के द्वारा विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पूरे भारतवर्ष राममय हो गया है। एक गाना गुनगुनाऊंगा मैं, आपने प्रतिष्ठा होते हुए देखी? हाँ देखी। उस टाइम क्या मन में लगा, क्या मन में तो ऐसा लगा कि जिंदगी में हम लोग कभी सोचे नहीं थे, सपना पूरा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी का नाम है श्री राम मिश्रा, है अच्छा। ना तो मैं एक गाना गाया हूँ, धावाला धूप लाई गई ले राम जी हो,
धावाला धूपाला आई गई ले राम जी हो ले आई ले धानु सानी तानी आहो भैया ले आई ले धानु सानी तानी आहो भैया। तो यहाँ पर अयोध्या में राम भक्त जो है, जाहिर सी बात है अयोध्या ही क्यों नहीं, पूरे देश भर में राम भक्त ने जब 550 साल का उनका इंतजार खत्म हुआ और राम लला को वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी, बिराजते हुए देखा होगा, तो यकीनन ये सुखद एहसास इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन अयोध्या धाम से।